हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए विंटर की पोशाक। वो भी बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। तो ये पोशाक हम बना रहे हैं 00 एक नंबर के कान्हा जी के लिए। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही इसकी कैप भी बनाएंगे। हमने ये काफ़ी मोटे फैब्रिक से बनाई है, जैसे कि हमारा शॉल का फैब्रिक होता है उसी के फैब्रिक से हमने इसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना फैब्रिक कट कर लिया है। पर्पल कलर का हमारा प्यारा सा ये फैब्रिक है। तो आप कोई भी फैब्रिक गरम इस तरीके से ले सकते हैं कान्हा जी की पोशाक बनाने के लिए। अगर आप एक बार ये वीडियो अच्छे से देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं फैब्रिक बहुत ही सुंदर प्यारा सा है। तो इसकी जो हमने लंबाई चौड़ाई ली है, ये देखिए 2.5 इंच की हमने चौड़ाई ली है। और लंबाई की बात करें तो 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो इस तरीके से हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है। 2.5 इंच है बराबर से हमारा। अब मैंने ये स्टेप ली है, 6 इंच की लंबाई है, 1.5 इंच की चौड़ाई है। अगर आप एक नंबर के लिए बना रहे हैं तो आपको सिर्फ इसमें चोली में 1 इंच प्लस करना है। और ये हमारी कैप है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी सबसे पहले साइड को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको साइड में सिलाई लगाई, धागों को कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ये देखिए लंबाई में भी स्टिच करेंगे। इस तरीके से रखते चले जाएंगे और लंबाई में सिलाई लगाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको बनाना बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ सके। अब ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये प्लेटें डालेंगे। तो ना ही तो प्लेटें आपको बहुत कम जगह उसमें डालनी है, ना ही बहुत ज़्यादा में। तो गाइज़ हम मीडियम साइज़ की सारी प्लेटों को अपनी इक्वल डालेंगे अच्छे से। अगर आप ये बना रहे हो 0 नंबर और 00 के लिए तो आपको लेके आना है 3-3.5 इंच तक। अगर आप बना रहे हो 1 नंबर के लिए तो आप इसे 4-4.5 तक भी लेके आ सकते हो। तो मेरा यहाँ पर ये 4 इंच के लगभग आया है। तो मैं इसको यहाँ पर ये देखिए पास कर देती हूँ प्लेटों को, क्योंकि मुझे ये 3.5 इंच तक करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया है इसको। अब हम यहाँ से कर देंगे धागे को कट। तो कुछ इस तरीके से हमारा घेर आया है, अवली है हमने अपनी चोली। तो चोली पर क्या करेंगे गाइज, हम लेस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये लेस ली है। तो इस तरीके से हम लेस को यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो बहुत ही सुंदर सी हमारी ये देखिए समर ड्रेस बनेगी, बहुत ही इजी और आसान तरीके से, जिसे आप खुद से ही घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है, शायद इस वीडियो में भी आपको नंबर दूंगी, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लेस लगा दी है। अब हम दूसरी साइड भी ये देखिए इस तरीके से लगा देंगे। मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ इंटरलॉक। अगर आपके पास नहीं है इंटरलॉक तो आप इसको छोड़कर सीधे आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। मैं लेस बाद में लगाऊंगी, आप पहले लगा लें तो भी चलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी चोली आई है, इसको हम कर देंगे 20 से कट। और ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर ये 1/2 इंच के लगभग यहाँ पे स्टिच करनी है, 1/2 या 1/4 इंच। इस तरीके से हम इसको हल्की सी वी शेप देते हुए स्टिच करेंगे। तो बहुत ही ईजिली ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर सी हमारी यहाँ पर ये पोशाक एकदम अच्छे से रेडी होगी। स्टिच करने के बाद में मैंने यहाँ से ये धागे कट कर दिए। अब कुछ इस तरीके से हमारी ये स्टिच हुई है। तो आप देख सकते हैं 1/4 इंच के लगभग मैंने इसको यहाँ पर स्टिच किया है। तो अपने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, पीस सेंटर में निशान लगाएंगे घेर के, और यहाँ पर 20 से 20 मिलाकर हमें पहले सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल इजी और आसान तरीका है आपको बताने के लिए। वैसे तो गाइज़ मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता सकती थी, पर आसान तरीका सभी लोगों के समझ में अच्छे से आ जाता है और सभी बना भी लेते हैं जिनको बनाना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ से धागे कट कर देंगे। धागे कट करने के बाद में ये देखिए एक सिरे को इस तरीके से घुमा कर, ये देखिए फिर से रिपीट करके मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर पहले धागों की फिनिशिंग करके इसको हम स्टिच करेंगे। ये देखिए रिपीट किया करा इधर आगे की साइड, और यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो है ना गाइस कितना इजी और आसान है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर सीधी स्टिच लगाएंगे। तो इसको पक्का करके अब हम इसको भी यहाँ पर घुमाएंगे और सीधी स्टिच लगाएंगे। तो है ना गाइस कितना ईजी है। तो ईजली बनाइए और पहनाइए अपने कान्हा जी को ये सुंदर सी पोशाक। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बनाइए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये पोशाक आई है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब क्या करूँगी मैं इसमें जो ये हमारी साइडें हैं तो हम इसमें लगा देते हैं इस तरीके से लेस। तो लेस को पहले हम इस तरीके से लगाएंगे, फिर इसको पलट कर सीधा करेंगे। ये देखिए पूरे में इसी तरीके से हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर लेस लगा दी, बाकी के धागे और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये फ्रॉक में अपनी लेस लगाई है। अब इसको इस तरीके से हम पलट कर यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे कि जो हमारी ये लेस का फैब्रिक है और हमने जो लेस लगाई है वो अंदर की साइड अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये धागा एक्स्ट्रा का चल गया था,
इसको हमने कट कर दिया और फिनिशिंग के साथ में हमने पूरे में यहाँ लगा ली है सिलाई। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये ब्यूटीफुल सी पोशाक आई है। सारे धागों की फिनिशिंग कर लेंगे अच्छे से, अपनी पोशाक को एकदम इक्वल सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बीच में यहाँ पर वेलक्रो भी लगा सकते हैं। ये देखिए, उससे क्या होता है, पहनाने के बाद में आप कान्हा जी के यहाँ पर इस तरीके से वेलक्रो लगा लें और ये इस तरीके से पहना कर, ये देखिए बिल्कुल ये वाला प्यारा सा लुक आएगा। तो मेरे पास ये 0 नंबर के कान्हा जी हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में कान्हा जी को पोशाक पहनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना आराम से, कितना अच्छे से इनके हमारी ये पोशाक आई है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ली है मैंने ये कैप का फैब्रिक, 4 इंचज की लंबाई है, 2 इंचज की चौड़ाई है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने अपनी ड्रेस में लेस लगाई है, सेम वही लेस मैंने इस तरीके से इसको, ये देखिए, हमें बिल्कुल सीधी लगानी है। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर लेस लगा ली। लेस लगाने के बाद में हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी जो ये हमने लेस लगाई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से डबल शेप करेंगे और जैसे कि वी शेप बनती है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए वी तक लेके गए, फिर इसको हम सिंपल इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो है ना गाइस, कितना इजी है, बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये कैप भी बन गई है। एक्स्ट्रा का फैब्रिक हम कट कर देंगे और इस तरीके से इसको हम अच्छे से खोल लेंगे। ये देखिए, तो ये मैंने आपको कान्हा जी को लगा कर दिखा दिया है। बहुत ही अच्छे से हमारी ये कैप भी आ गई है, बहुत ही परफेक्ट और अच्छे से। तो गाइस, हमारी पोशाक और हमारी ड्रेस बन गई है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने कान्हा जी को आपको पहनाकर दिखाई थी। पहनाने का तरीका आलमोस्ट सभी लोगों को आता ही है, बहुत ही सिंपल सोबर पोशाक है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारे कान्हा जी की आई है। तो अपने कान्हा जी के लिए बनाइए विंटर में और पहनाइए ये प्यारी सी पोशाक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।